हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इशरत की ज़िंदगी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पाया। कितना ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है, चलिए मैं दिखाती हूँ इसकी रेसिपी कैसे बनती। यहाँ पे मैं सबसे पहले पानी को गर्म कर लूँगी और अब मैं इसमें मटन की पाया डालूँगी। मटन पाया को मैं पानी में इसलिए डाल के पका रही हूँ ताकि मटन पाया जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले, खड़े मसाले हैं। खड़े मसाले में मेरे पास यहाँ पर ही बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग है, और यहाँ प्याज है, तेज़पत्ता है और गार्लिक है। मटन पाया को मैंने पहले ही साफ कर लिया था। अब इसमें डालूंगी मैं सॉल्ट ताकि सॉल्ट का भी इसमें फ्लेवर आ जाए। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, यानी कि सरसों का तेल। अब मैं इसे ढक के पका लूंगी जब तक ये गल ना जाए। तो देखिए, जो मटन पाया है वो अच्छे तरह से के पक चुका है और इसके में से जो रोगन भी छोड़ दिया है। इसे बेस्ट ट्रिक है जानने का कि इसमें से जो है वो तेल छोड़ेगा, तभी आप समझ जाइएगा कि ये अच्छी तरीके से पक चुका है अंदर से भी। मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है, आप चाहो तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में आपकी पासिटी लगेगी और मैंने इसे 1.5 घंटे में पकाते हैं। अब मैं इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैं दो तरीके के ऑयल लूंगी। पहले मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी जिसमें दालचीनी है और छोटी इलायची है। अब मैं डालूंगी तेज पत्ता। अब मैं इसमें डालूंगी ऑनियन। इसे हम चला लेंगे। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक और मिर्च की पेस्ट। अब इसमें डालूंगी धनिया। अब डालूंगी जीरा गोल की पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। डालूंगी रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। मैं अब यहाँ पे ले रही हूँ लहसुन अदरक को, मैंने थोड़ा सा कूच लिया है ताकि थोड़ा कच्चेपन के भी फ्लेवर आ जाए इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और ऑलमोस्ट मसाला जो है वो भुन ही गया है। मसाला भुन चुका है, ये मसाले जो है वो भुन गई है। मसाले ने अपने तेल छोड़ दिया है और देखिए क्या चल रहा है कि मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मटन पाया। देखिए, मटन पाया को मैंने
इसे मैं ढक दूंगी 3 मिनट के लिए। देखिए 3 मिनट हो गया है और मटन पाया बनके तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे। किसी को दिल नहीं देंगे, किसी को।